Thank you for getting a quote from us. We appreciate your interest in our photo booth. जी हाँ दोस्तों, हम लोग अब सीखने वाले हैं कैसे हम लोग अपना बैकग्राउंड में टेक्स्ट जो एनिमेशन फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे दोस्तों काइन मास्टर में। काइन मास्टर में जाने के बाद दोस्तों कुछ क्रिएट न्यू पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है यूट्यूब के लिए यदि बना रहे हैं तो स्टोरेज टू नो में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्रिएट में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक बैकग्राउंड चूज करना है जो कि इस किस्म का हो। उसके बाद हम लोगों को इसका लेंथ जो बढ़ा देना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस पर जो है क्लिक, इस पर जो है हम लोग लेयर पे जा करके, इफेक्ट पर जा करके हम लोग क्या करेंगे, ब्लर कर देंगे स्क्रीन को। तो इस तरह से ब्लर करने के लिए जो कि हमारा यूनिक थोड़ा लगे, तो इस तरह से कर देंगे हम लोग दोस्तों। उसके बाद हम लोग बैक आएंगे। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग लेयर में जाएंगे और अपना वीडियो जो है ग्रीन स्क्रीन में शूट करके जो रखे हुए हैं उसको हम लोग इधर लाएंगे। तो मैं इधर से ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसका जो है ग्रीन जो है हम लोगों को इसे थोड़ा बढ़ा लेना है। इस तरह से बढ़ा करके हम लोग अपने स्क्रीन में फिट कर देंगे। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, हम लोग ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करें, अपना बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं, नीचे जाएंगे, उसके बाद क्रोमा की में जाएंगे, उसके बाद इसे इनेबल कर देंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से हो गया हमारा ग्रीन स्क्रीन जो है रिमूव। अब क्या करना है, हम लोग को लगाना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लगाने के लिए हम लोग लेयर में जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे, उसके बाद इधर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखना होगा आप लोगों को वह लिख दीजिएगा। तो थैंक्स मैं लिख दे रहा हूँ, थैंक्स लिख करके उसके बाद हम लोग थोड़ा बड़ा कर देंगे इसका साइज। बड़ा करने के बाद दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, फंट यही रहने देंगे, उसको कलर चेंज करना होगा तो कलर आप लोग इधर से रेड कर दीजिएगा। रेड करने के बाद दोस्तों अब हम लोग को जो है इसे यूनिक बनाना है टेक्स्ट को, तो आउटर लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इनेबल करके इसे थोड़ा घटा लेंगे। घटाने के बाद दोस्तों और कुछ करना है, ग्लो यदि करना है तो ग्लो भी कर सकते हैं, थोड़ा ग्लो घटा देंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, शेडो देना है तो शेडो इधर से दे सकते हैं। तो शेडो देने के लिए इधर कलर हम लोग चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरह से हम लोग शेडो भी मिला लेंगे। सो दोस्तों अब क्या करना है, हम लोग को टेक्स्ट को जो है पीछे करना है और हमारा जो है एक्टर को आगे करना है। तो हम लोग एक्टर को अपना जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद थ्री डॉट पे जा करके इसे क्या करें, इधर देखिए दिखा रहा है ब्रिंग टू फ्रंट दिखा रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे आगे आ जाएगा। आगे आने के बाद दोस्तों देखिए अब क्या करना है, हम लोगों को इधर से फिर अब दूसरा लिखना है। इसको हम लोग क्लिक करके एनिमेशन भी इसका कैसे आए, तो इस तरह से इन एनिमेशन में जा करके हम लोग क्या करेंगे, इधर से लेटर बाय लेटर को क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से आएगा बैकग्राउंड। उसके बाद हम लोग फिर इस पर क्लिक ही रखेंगे, ट्रिम पे क्लिक करके स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे, कट जाएगा। उसके बाद इसी को भी हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा कुछ लिखना होगा तो थैंक्स फॉर, अब थैंक्स, उसके बाद आप लोग को जो भी लिखना है इधर लिख दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में लिख दे रहा हूँ। उसके बाद इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एनिमेशन चेंज कर देंगे। अब जैसे भी आप लोग को इस तरह से हम लोग फिट कर देंगे, थोड़ा इसे छोट कर देंगे हम लोग, जो कि स्क्रीन में हमारे फिट हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों देखिए लगा दिया। उसके बाद इसका भी कलर हम लोग चेंज कर देंगे, इसका जो है येलो कर देंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, इतना देखिए वीडियो बन चुका है। अब और एक्स्ट्रा जो पार्ट है इधर से हम लोग काट देंगे, ट्रिम पे जाएंगे, उसके बाद ट्रिम राइट कर देंगे, उसके बाद इसको भी हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, इधर से साउंड जो है टेक्स्ट वाला साउंड इधर से लगाना है। तो हम लोग ऑडियो पे जाएंगे, उसके बाद सॉन्ग में जाएंगे,
इधर से हम लोग ऑडियो वाला जो है हम लोग डाउनलोड किए हुए हैं साउंड, तो इधर से हम लोग हम अपलोड कर देंगे। तो इसको मैं लगा दे रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो जो है रेडी हो चुका है। Getting a quote from us. We appreciate your interest in our photo booth rental service. इस तरह से दोस्तों आप लोगों को जो है पीछे वाला जो टेक्स्ट लगाते हैं वीडियो के पीछे, तो आप लोग इस तरह से आप लोग सीख सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग को सेव करना होगा यह वीडियो। सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज वीडियो लिखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जो कि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। सो गाइस, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।